ये जो लगे हुए हैं, ये जो आपने ये बनाए हुए हैं, ये क्या लिए? नहीं, ये बंद होने के बाद पूरा इंजन टाइप का दिखता है। अच्छा, चलते हुए। अच्छा, थोड़ा हमको लगा कि YouTube की मदद से हमको ये सेटअप समझ में आया। एक मैंने वीडियो देखा था कि बुलेट से अटैच है उसका स्टॉल। जी जी, तो उसी को देखते हुए मैंने ये चालू किया। स्टार्टअप अपन को कैफे खोलना था, कैफे का उतना बजट नहीं था। जी जी, तो अपने पास बुलेट थी। अच्छा भैया ने, इसमें अगर आप देखेंगे ना, स्वीट कॉर्न डाले हुए हैं, टोमेटो डाले हुए हैं, शिमला मिर्च है, पनीर है, और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा। ये कौन सा सैंडविच है? तंदूरी पनीर सैंडविच। तंदूरी पनीर सैंडविच। सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम पूरन इंटीरियर है। दोस्तों, अगर आपको या किसी को भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत से आइडियाज होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो देखिए, जबलपुर या बुलेट राजा के नाम से इन्होंने देखिए कितना अच्छा सेटअप किया है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप ना, तो इनकी ये बुलेट है, इनकी ये गाड़ी है, और उसी से यहाँ से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ अपनी ये फूड रेडी को। भैया हमारे सूरज भैया ये बहुत ही प्यारे भैया हैं। एक ही बार में मैंने इनसे बोला कि भैया हमको यहाँ इस आपके सेटअप की वीडियो बनानी है, उन्होंने तुरंत हाँ करे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कैसे ये आइडिया आया भैया, कैसे आपने सेटअप का सोचा? दिया कुछ मेरे को करना था, मतलब खुद का बिजनेस करना था। जी जी, तो अपन को कैफे खोलना था, कैफे का उतना बजट नहीं था। जी जी, तो अपने पास बुलेट थी। अच्छा, तो बुलेट थोड़ा अपन ने यूट्यूब का सहारा लिया, सर्च किया। जी जी, तो थोड़ा हमको लगा कि यूट्यूब की मदद से हमको ये सेटअप समझ में आया। एक मैंने वीडियो देखा था कि बुलेट से अटैच है उसका स्टॉल। जी जी, तो उसी को देखते हुए मैंने ये चालू किया, स्टार्टअप किया। स्टार्टअप किया। ये जो लगे हुए हैं, ये जो आपने बनाए हुए हैं, ये क्या? नहीं, ये बंद होने के बाद पूरा इंजन टाइप का दिखता है। अच्छा, चलते हुए। अच्छा, वो सेटअप उसका डिजाइन है। अच्छा, ये पूरा इंजन जैसा दिखता है? हाँ, बंद होने के बाद पूरा इंजन जैसा दिखता है। अच्छा, ये पूरा क्लोज हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अच्छा, अगर आप इस तरफ में देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर भैया ने इधर पर सेल्फ दे दिए हुए हैं, पूरे यहाँ पर सेल्फ है। यहाँ पर भैया का वर्किंग एरिया हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर उनने भट्टी लगाई है, और मतलब पूरा बहुत ही अच्छा सेटअप इनने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो इनकी गैस और बैटरीज वगैरह रखी हुई हैं, जिससे ये यूज़ करते हैं, है ना, बैटरी लाइट वगैरह के लिए, सभी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और क्या क्या प्रिपेयर करते हैं भैया आप यहाँ पर? वैसे अपना सबसे फर्स्ट तो अपना भैया कुल्लड़ पिज्ज़ा है। अच्छा, फेमस। और उसके बाद अपना कुल्लड़ पास्ता है, फिर व्हाइट सॉस पास्ता सैंडविचेस हैं। अच्छा, अभी अप्पे भी चालू करने वाले हैं, चीज़ अप्पे, पनीर अप्पे। अच्छा, वेजिटेबल अप्पे, और बर्गर भी चालू होने वाला है। अच्छा, होली के बाद सब चालू, जोमेटो में भी है अपना। अच्छा, तो ये जो सेटअप है, इसमें वर्क करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाती? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। अगर आप इस तरफ में देखेंगे ना, देखिए ये कुल्लड़, इसी में कुल्लड़ पिज्ज़ा भैया प्रिपेयर करके देते हैं, और इसमें ये जबलपुरिया बुलेट राजा के नाम से इनका जो सेटअप है, तो देखिए इसमें वेज मायो सैंडविच, अभी इन्होंने बहुत ही कम चीज़ें रखी हुई हैं, पर इनके जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। जितना कम से कम में इन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, जो भी ये अच्छी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी को इन्होंने चालू किया है। तो ये कितने बजे से आप यहाँ पर लगा लेते हैं? मेरा 4 बजे से ओपनिंग होती है, 10:30 बजे रात तक PM तक। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना, तो मैं बता दूँ, हम अभी जबलपुर में, जबलपुर के तैयब अली चौक पर ही खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ही पूरा यहाँ पर लाइन से यहाँ पर बहुत सी फूड्स की रेहड़ियाँ लगती हैं, जिसमें भैया की भी। और एक कमाल का सेटअप मैं आपको दिखाऊं, कितना अच्छा ये सेटअप है। बुलेट में इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेल्ट की हुई है, अपना पूरा सेटअप किया हुआ है। किसी के यहाँ काम करने से अच्छा खुद का कुछ बिजनेस अगर करें तो ज़्यादा बेटर होता है, वो चाहे कितने छोटे लेवल से हो, पर खुद का होता है। और बहुत से एक्सपीरियंस भी होते हैं, आई होप भैया को भी 6 महीने में बहुत सी चीज़ें सीखने मिली होंगी, बहुत सी चीज़ें भैया ने फेस भी की होगी, और कैसे उससे निकलना, वो सारी चीजें भी भैया जानते हैं बहुत अच्छे।
ये कहीं से सीखा था भैया आपने? नहीं भैया, सब घर में प्रैक्टिस किया है मैंने, घर पर ही। ये कौन सा सैंडविच है? तंदूरी पनीर सैंडविच। तंदूरी पनीर सैंडविच। देखिए भैया, इस पैन में ही जो बेसिकली ग्रिलर पैन कहलाता है, इसमें ही सैंडविच को ग्रिल करके देते हैं। और अभी ये जो सैंडविच भैया बना रहे हैं, ये है तंदूरी पनीर सैंडविच। इसमें तंदूरी मायो वगैरह का ये यूज़ किया हुआ है। इनने अभी जो पेस्ट बनाया था, उसका जो पेस्ट की जो फ्लेमिंग थी, उसी से समझ में आ रहा था इन्होंने कितना अच्छा सैंडविच का मटेरियल बनाया हुआ है। और अभी भैया इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे ग्रिल कर रहे हैं। भैया ने इतना अच्छा सैंडविच हमें बना के दिया कि वीडियो बनाने ही भूल गए थे। अभी ये लास्ट की बाइट जो है, लास्ट का जो स्लाइस है वो बचा हुआ है मेरे पास में, तो मैं आपको बता दूं। भैया ने इसमें अगर आप देखेंगे ना, स्वीट कॉर्न डाले हुए हैं, टोमेटो डाले हुए हैं, शिमला मिर्च है, पनीर है, और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो अगर आप जबलपुर में रहते हैं या जबलपुर आए हुए हैं, तो एक बार यहाँ पर आकर इनके जो फूड्स हैं उसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये भैया प्योर वेजिटेरियन ही फूड्स बनाते हैं, अभी इनके पास कोई भी नॉन वेज आइटम्स नहीं हैं। और अगर मैंने आपको बता ही दिया है कि एड्रेस कहाँ है, नौदरा ब्रिज के पास में जो तैयब अली पेट्रोल पम्प का चौक है, उसके पास में ही यहाँ पर चौपाटी लगती है, जहाँ पर भैया यहीं पर आपको मिल जाएंगे। भैया 4:30 से यहाँ पर 10:30 तक अवेलेबल रहते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिहेव भी भैया का बहुत अच्छा है। मेनली जो नेचर है बहुत अच्छा है भैया का। तो आप यहाँ पर आकर एक बार इनके यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच भैया। भैया दोस्तों, अगर आपका भी कोई कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, या आप अपने घर का इंटीरियर का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपने कोई बहुत ही अच्छी बाइक को मॉडिफाई किया हुआ है, या कार को मॉडिफाई किया हुआ है, अगर आप उसका भी वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप बनवा सकते हैं। अभी हम कोई भी चार्जेस किसी भी वीडियो पर नहीं ले रहे हैं, और ये जो फैसिलिटीज़ है ये सिर्फ जबलपुर वालों के लिए ही है। ये सेटअप कैसा लगा, भैया से मिलकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.